हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि MPNHM की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है CHO के पदों पर, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, पोस्ट डेट क्या रखी गई है, क्या आपको फीस पेमेंट करनी होगी, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स दिखाने वाले हैं, इसकी शॉर्ट नोटिस और इसका फुल नोटिस के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट NHM MP CHO ऑनलाइन फॉर्म 2021। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2850 यहाँ पर टोटल पोस्ट रखी गई हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO की ये वैकेंसीज है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट, वो इसका नोटिफिकेशन रीड करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 15 मई 2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करें तो 31 मई 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 31 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1/5/2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज काउंट की जाएगी। तो 21 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो भी फिजिकल हैंडीकैप या फिर जो एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं उनको यहाँ पर 5 से 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड पास BSc नर्सिंग इन्होंने किया है, या फिर इन्होंने बेसिक BSc कोर्स किया है, या फिर GNM कोर्स आपने किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा इसका फुल नोटिफिकेशन। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं कैसे आपको क्या प्रोसेस रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा बैकलॉग रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित वर्गों के उम्मीदवारों से 6 माह के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन हेतु मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय संस्थाओं पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी। 15 मई से 31 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, बेसिक BA, या फिर GNM किया है, या फिर BA MS जिन्होंने किया है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 से 40, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट रखी गई है उनको जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जो कि आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर पाएंगे। 33% सीट इसमें जो है महिलाओं के लिए रहेंगी, जो भी महिला कैंडिडेट है। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हैं इसमें केवल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है पूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा रह जाता है तो आपके जो है यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा जो आपका फॉर्म होगा। चयन पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण यानी कि CCH में 6 महीने के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय किसी भी केंद्रीय राज्य नर्सिंग परिषद या राज्य आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा प्रणाली और प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से पंजीकृत होना अनिवार्य है। यानी कि आपको 6 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग देनी होगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसी के आधार पर आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसकी जो रिक्त पदों की संख्या है उसमें कोई भी बदलाव जो है विभाग द्वारा किया जा सकता है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कर सकता है। तो नीचे स्क्रॉल करके इसकी आप रूल बुक्स देख सकते हैं, जो नियम पुस्तिका है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इसमें नर्सिंग कोर्सेज अगर आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सेकंड आप देख सकते हैं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबंधित महाविद्यालयों से BA MS उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी इंटर्नशिप यानी कि जो ट्रेनिंग है वो पूर्ण हो चुकी है, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल तक की जो मैक्सिमम छूट दी जाएगी आयु में, और आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इसमें मध्य प्रदेश के जो भी मूल निवासी हैं कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जहाँ भी आपका प्रशिक्षण होगा 6 महीने का, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सेंटर या जो स्थान रखे गए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, उनकी डिटेल्स तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट से तात्पर्य है सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी। और देख सकते हैं प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट रैंक के अनुसार उम्मीदवारों को MPMSU यानी कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जून 2021 तथा अक्टूबर 2021 सन में जो है अथवा इग्नू जुलाई 2021 सन आवंटित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जून जुलाई और अक्टूबर में यहाँ पर कैंडिडेट को जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु शैक्षणिक एवं जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो नर्सिंग कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन आपके पास अगर है तो आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने BAMS कर रखा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप कंप्लीट करने के पश्चात। अगर आप वर्तमान में किसी भी पद पर जो है काम कर रहे हैं तो आपको उस पर रिजाइन देना और उस रिजाइन का आपको जो है यानी कि एप्लीकेशन का जो है यहाँ पर एक जो त्याग पत्र का एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर उस प्रशिक्षण में जो है यहाँ पर प्रवेश लेने के टाइम देना होगा। और आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ पर अपने EWS सर्टिफिकेट या फिर हैंडीकैप सर्टिफिकेट या जो भी आपका रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे उनको यहाँ पर ठीक है एज रिलैक्सेशन दिया जाए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप जो है अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने इग्नू से BSc कर रखा है तो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा ठीक है। और भोजपुर विश्वविद्यालय का भी मान्य नहीं किया जाएगा यहाँ पर जो कि दिल्ली वगैरह से आपने या MPMSU से कर रखा है तो आपका यहाँ पर मान्य हो जाएगा। अप्लाई करने का देखिए प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर उम्मीदवार को 31 मई 2021 तक जो है रात्रि 12 बजे तक या उससे पहले SAMS वेबसाइट यानी कि आप देख सकते हैं www.sams.com पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है को भरना और सबमिट करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन को जो है वैध नहीं माना जाएगा। तो केवल आपको इसी वेबसाइट के थ्रू यहां पर फिल करना होगा अपना ऑनलाइन फॉर्म और इसके बाद न्यूनतम जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा अन्यथा आपका जो है यहाँ पर फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc या फिर GNM एवं BAMS उत्तीर्ण अंक की सूची आपको अपलोड करनी होगी। इंटर्नशिप पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसलिंग का आपका पास जो भी यहाँ पर पंजीकृत सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 10वीं की मार्कशीट मूल निवासी प्रमाण पत्र ठीक है। और यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST या OBC से हैं तो और जो EWS कैंडिडेट हैं EWS कैंडिडेट के लिए उनका सर्टिफिकेट रहेगा ठीक है। और जो हैंडीकैप के लिए उनका सर्टिफिकेट रहेगा जो कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार SAMS वेबसाइट द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं ई एडमिट कार्ड आपको इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे जो कि आप एग्जाम से 7 दिन पहले जो है डाउनलोड कर पाएंगे या फिर आपको MPNHM जो वेबसाइट है नेशनल हेल्थ मिशन की इस पर से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा तो देख सकते हैं 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित रहेगा। 2 घंटे का टाइमिंग रहेगी और कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग नहीं रहेगी ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी यहाँ पर गलत आंसर देते हैं तो आपको इसमें कोई नंबर कटिंग नहीं होगी। परीक्षा केंद्र आपके SAMS द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा के पद पर नियुक्ति के पश्चात आपको 25,000 रुपये यहाँ पर सैलरी रहेगी और ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो प्रोत्साहन राशि है वो मिनिमम अधिकतम आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 रुपये आपको मंथली यहाँ पर दिया जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 25,000 रुपये तक सैलरी यहाँ पर दी जाएगी नियुक्ति के पश्चात। तो देख सकते हैं प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करें परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात SAMS के माध्यम से उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आवंटित पूर्णता प्राप्तिक यानी कि प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी इसके बाद और इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके उपरांत ही आपको यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी जहाँ भी आपको देना है NHM की तरफ। और जो भी जब भी डॉक्यूमेंट आपके सत्यापन कराए जाएंगे वेरिफिकेशन कराई जाएंगी तो उसकी डिटेल्स या सूचना आपको प्रसारित कर दी जाएगी ठीक है वेबसाइट पर। तो देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपको परीक्षण के लिए मांगे जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक नवीन फ़ोटो भी आपको यहाँ पर सत्यापित करना होगा। साथ में आप देख सकते हैं बंद पत्र यानी कि आपको एक ₹500 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में राशि ₹2,00,000 का बंद पत्र
जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम 3 वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो। तो आप देख सकते हैं 500 रुपये का आपको एक एग्रीमेंट यानी कि स्टाम्प पेपर पर करवाना होगा, जिसमें आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, और इसके अलावा आप 3 वर्ष तक जो है न्यूनतम आपको सहमति देनी होगी कि आप कार्य कर पाएंगे इस पोस्ट पर। इसके बाद आपका जो है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, जो कि किसी भी MBBS चिकित्सक द्वारा या फिर प्रशिक्षण से पूर्व आपसे 15 दिवस के पूर्व जो है जारी किया हुआ प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ठीक है। तो MBBS चिकित्सक द्वारा ये आपका जारी होना चाहिए। किसी भी देख सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी होने पर आपका जो है यहाँ पर अपात्र माना जाएगा उम्मीदवार को, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य संपादन अनिवार्य। तो आप देख सकते हैं प्रशिक्षण में प्रवेश के समय उप स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 3 वर्ष निरंतर कार्य संपादन के लिए सहमति का राशि ₹2,00,000 का बंध पत्र जो कि ₹500 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। तो एक बार और आपको यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है। तो देख सकते हैं प्रशिक्षण के दौरान जो है आपका मानदेय ₹15,000 जो है पर मंथ रहेगा, इसके बाद आपका जो है ₹25,000 तक जो है ज्वाइनिंग के बाद आपका कर दिया जाएगा। और एक और आप यहां पर देख सकते हैं जो मेन पॉइंट रहेगा, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। यहां पर पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को मुख्यालय अर्थात उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ही निवास करना होगा, ठीक है। ऐसा ना करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पद स्थापना निरस्त करते हुए बांड राशि वसूलने की कार्रवाई संपादित की जाएगी, यानी कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको जो है पदस्थापना दी जाएगी और आपको वहीं पर रुक कर, ठीक है, अपना जो है यहाँ पर उप स्वास्थ्य मुख्यालय के रूप में जो है यहाँ पर ऑफिसर के रूप में काम करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो स्टाम्प पर आपने 2,00,000 रुपये की जो राशि है वो आपसे वसूली जाएगी, साफ साफ यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको देख सकते हैं एग्रीमेंट के साथ जो है अपने स्टाम्प पेपर के साथ आपको एक घोषणा पत्र भी जो है फिल करके यहाँ पर जो सबमिट करना होगा, जिसमें आप इसे रीड कर सकते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि MPMSU से रिलेटेड है, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कहाँ कहाँ पर रखे गए हैं। और जो IGNOU से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सेंटर। और इस साइड आपको देखने को मिलेंगी जितनी वैकेंट सीट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस रहेगा वो आपका जो पेपर का रहेगा वो अंग्रेजी में रहेगा माध्यम, देख सकते हैं पाठ्यक्रम का। और फ्रेंड इस नोटिफिकेशन में एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो भी कैंडिडेट ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर काम कर सकते हैं, ठीक है, पोस्टिंग के पश्चात ज्वाइनिंग के पश्चात, तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते वो इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है। तो ये था एक पूरा नोटिफिकेशन। तो आई होप कि फ्रेंड आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने BSc नर्सिंग या BSc GNM या BSc बेसिक कोर्स कर रखा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास BAMS कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस साइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर पाओगे।